नमस्कार, मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने स्वामी सहजानंद महाविद्यालय में अखंड भारत संकल्प दिवस का आयोजन किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि क्षेत्र प्रचारक महेश प्रताप रहे। कार्यक्रम में आने वाले लोगों का कार्यकर्ताओं की ओर से पटका पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में सभी लोगों ने अखंड भारत के चित्र के आगे पुष्पांजलि अर्पित कर अखंड भारत के प्रति अपनी भावना का इजहार भी किया। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल अखंड भारत संकल्प दिवस का कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष में हर स्थान पर आयोजित कर प्राचीन भारत के अखंड स्वरूप को दर्शा उसके सम्मान को विश्व में पुनर्स्थापित करना चाहती है। आज से 5000 साल पहले हिंदू राजाओं का संपूर्ण आर्यावर्त जम्मू द्वीप पर शासन होता था, जो पश्चिम में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पाक गुलाम कश्मीर से लेकर पूर्व में नेपाल, भूटान, म्यांमार तक, उत्तर में अक्साई चीन, तिब्बत से लेकर दक्षिण में श्रीलंका तक फैला हुआ था। कालांतर में अपनी गलतियों और आपसी फूट के कारण यह हिमालय से हिंद महासागर तक एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा रह गया है। इसलिए सभी लोगों ने कार्यक्रम में भाग लेकर अखंड भारत का संकल्प धारण किया। कार्यक्रम के अंत में आई हुई महिलाओं ने भारत माता की आरती गाकर उसका कार्यक्रम का समापन किया। इसका उद्देश्य ये है कि पिछले 70 वर्षों में जो संपूर्ण देश के अंदर नौजवानों को इतिहास छुपा के रखा गया, वर्तमान समय में नौजवानों को वो बताना है कि आखिर किन परिस्थितियों में भारत का विभाजन हुआ, वो परिस्थितियाँ क्या थी, उन्हीं परिस्थितियों को पुनः जन्म ना ले वो परिस्थितियाँ, उन्हीं परिस्थितियों को ठीक करने के लिए यह अखंड भारत संकल्प दिवस का कार्यक्रम है। इस तरह का कार्यक्रम को लोगों जन जन तक पहुँचाने के लिए क्या आगे आगामी क्या रणनीतियाँ होंगी आप लोगों की? आगामी रणनीति हिंदू समाज को जगह जगह इकट्ठा करेंगे, जाति से मुक्त, भेद मुक्त, अजेय शक्ति हिंदू समाज की खड़ी करेंगे और उनके मन में जातीयता के ये जो विषैली बैल पनप रही है वो कैसे समाप्त हो, उसके लिए सामूहिक रूप से हम कार्यक्रम निरंतर करते रहेंगे, जिसका आगे बजरंग दल ने सामाजिक समरसता सप्ताह का आयोजन करने का जिम्मा लिया है। संपूर्ण देश के अंदर जगह जगह पर हम जाएंगे और